Like a bell cut. तो कैसे हो आप सब? होप करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। इस बार मैं नई वीडियो लेके आया हूँ। इस बार वीडियो में कम्युनिटी अपडेट के बारे में कुछ खबरें हैं जो कि कॉल ऑफ ड्यूटी इस मंथ के मिड में या एंडिंग में देने वाला है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर दें। तो 6 मार्च को जैसा कि अपडेट आ चुका है, जैसा कि आप लोग को पता है कि 6 मार्च को अपडेट आ चुका है, तो उसके बारे में तो आप सबको मालूम ही होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट दिया गया, इस बार वो इस अपडेट में कुछ बग्स को फिक्स करने वाले, जैसा कि इन्होंने बताया गया है कि ये कुछ बग्स और मैप्स में जो दिक्कत आ रही है उनको फिक्स करेंगे इस अपडेट से। तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे के अपडेट पर चलते हैं। तो इस बार कुछ सरप्राइजिंग दिया है इन लोगों ने, कुछ सरप्राइज दिया है कि 3560 कोड पॉइंट्स ये देंगे इस मैप को पहचानने के लिए, ये कौन सा मैप है। वैसे मेरे को पता है, अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वेलफेयर खेले हो तो ये मेल्टडाउन का मैप है, जो कि इस अपडेट में ये मल्टीप्लेयर में देने वाले हैं, जो कि इन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के बताया। इन्होंने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट डाल के बताया था कि मेल्टडाउन आने वाला है। तो इन्होंने कहा है कि ये मिड मार्च के एंडिंग या अप्रैल के फर्स्ट में हमें ये अपडेट देंगे, तो मज़ा आएगा मेल्टडाउन खेलने में। आप बताओ आपको कैसा लगा। नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। जैसे कि हाइव और केज मैप, प्रॉम्प हंट और बीआर चैलेंज और गन गेम के जो चल रहे हैं, ये अपडेट आएंगे। तो अच्छा लगता है जब ये ऐसे अपडेट देते रहते हैं रेगुलरली, मज़ा आएगा। क्रेडिट स्कोर के अपडेट तो आ चुके हैं और फंक्शनल वेपन के भी आ चुके हैं, जो मिड मार्च में बीआर में कुछ तगड़ा करने वाले हैं ये लोग। अब पता नहीं क्या करेंगे, मेरे ख्याल से कोई नया मैप देने वाले हैं, तो फर्दर में देखते हैं क्या देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। और जैसे कि इन्होंने बताया है अपने कम्युनिटी टैब में कि ये नए पब्लिक टेस्ट सर्वर्स देने वाले हैं। अब ये सर्वर्स कैसे होंगे, कौन से होंगे, इसका कोई अभी खुलासा नहीं है। होप करते हैं एशियन सर्वर आ जाए तो हम भी कुछ टेस्ट सर्वर खेल सकें। तो बीआर में कुछ तगड़ा करने वाले हैं ये लोग। नेक्स्ट आ रहा है, ये नए मैप के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, तो ये उन रिलीजन में या रीजन में जाके देंगे अपडेट जहाँ ये मैप को और टेस्ट सर्वर को टेस्ट करने वाले हैं। अब देखते हैं कहाँ टेस्ट करेंगे ये लोग। मुझे तो लगता है कि इंडिया में देना चाहिए एशियन सर्वर में, तो हमें खेलने में काफ़ी आसानी होगी। बीआर, वैसे भी बीआर के बहुत बड़े फैन हैं हम लोग। देखते हैं क्या करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी वाले। तो नेक्स्ट आया है फंक्शनल वेपन का अपडेट। देखते हैं फंक्शनल वेपन देने वाले हैं, कोई नया फंक्शनल वेपन आने वाला है जो कि है गैस करो गाइस कौन सा है। अगर आपने कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वेलफेयर खेला है तो आपको मालूम होगा कि ये फंक्शनल वेपन कौन सा है। ये फंक्शनल वेपन कौन सा है, वो है असोल्ट राइफल KN-44, जिसका डैमेज बहुत हाई है। आई थिंक उसकी जो डैमेज पर सेकंड है वो बहुत हाई दिया हुआ है। और ये है वो वेपन, ऐसा कुछ दिखता था मॉडर्न वेलफेयर के अंदर ये KN-44। तो अब देखते हैं गाइस ये क्या देने वाले हैं उसके अंदर। होप करते हैं कोई अच्छा ही देंगे अपडेट। और आई थिंक इसके लिए स्किन भी निकालेंगे वो, जैसा कि हाँ ये बताया गया है कि इन्होंने कलर स्पेक्ट्रम ड्रॉ। अब देखते हैं ये कौन से ड्रॉ की बात कर रहे हैं, क्या ये लक्की ड्रॉ निकालेंगे या क्या करेंगे। अब देखते हैं भाई, ये फ्री में तो कुछ देते नहीं, आपको वैसे ही पता है पबजी हो गया और कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, फ्री में तो स्किन देंगे नहीं। तो इन्होंने बोला है कि परचेज़ यूनिक कस्टम्स वर्जन आउटराइट ऑफ लक्की ड्रॉ, मतलब लक्की ड्रॉ निकालेंगे ये। तो लक्की ड्रॉ भी सीपी से ही खरीदी जाएगी, तो देखते हैं कितने परसेंट चांस रहते हैं कि अपन को उसकी स्किन मिलेगी। और क्रेडिट स्कोर का कुछ अपडेट बताया गया है इसमें कि SMG PDW का आएगा, स्नाइपर राइफल का आर्टिक का आएगा। मेरे ख्याल से इतना कोई अच्छा नहीं है, पर देखते हैं। और रिलीज डेट फ्यू वीक्स बता रहे हैं ये, फ्यूचर क्रेडिट स्कोर और आउटसाइड वेपन्स। मेरे को तो PDW की लेनी है, बहुत अच्छी स्किन देने वाले हैं। अब देखते हैं कब देंगे क्या नहीं देंगे, भाई इनकी मर्जी होती है तब देते हैं। अगला आ रहा है रैंक मोड, जो सबसे बड़ी हाइप बनी हुई थी कि रैंक कब गिरेंगी, तो भाई ये एंड ऑफ मार्च में गिरने वाली है। ये इन्होंने साफ कर दिया है अपने कम्युनिटी टैब में कि एंड ऑफ मार्च में सारी लीगें गिर जाएंगी। मैं भी इसी का वेट कर रहा था कब लीग गिरें और वापस से पुशिंग करें। और न्यू रिवॉर्ड्स और स्टाइलिश, जैसे इसलिए पिछली बार लोकस आई थी और एक येल्लो स्किन आई थी, तो इस बार देखते हैं कि ये कुछ बढ़िया सी स्किन देने वाले हैं। अब देखते हैं वो कौन सी स्किन होगी कौन सी नहीं होगी। मुझे कोई खबर नहीं है कि कौन सी स्किन होने वाली है, पर जो भी होगी बहुत तगड़ी होने वाली है गाइस, आप ट्यून रहना देखना। और हाँ, जो सोप और जो आर्टिक
जो लड़की थी उसका जो करेक्टर था उसमें काफ़ी 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 इनके पास कंप्लेन जा रही थी कि उस सोप के करेक्टर को अच्छा नहीं बनाया गया है। तो इन लोगों ने इस अपडेट में देने वाले कि सोप और जो आर्टिक आउटसाइडर आर्टिक की जो लड़की थी उसकी स्किन और उसका जो वेशभूषा हुलिया होता है उसको ये सही करने वाले हैं, तो शायद कुछ तगड़ा देखने को मिलेगा। और न्यू को स्ट्रीकर फॉर ऑपरेटर स्किल्स आने वाली है, तो इस बार तो हाइव आई है और एमपी में देखते हैं, हाइव तो आ चुकी है, बैटल रॉयल में देखते हैं भाई क्या आने वाली है नया, होप करते हैं। इस बार तो ये आई थी ट्रिक्स्टर, अब देखते हैं क्या देंगे ये, मालूम नहीं कुछ भी दे सकते हैं ये, देखते कुछ अच्छा ही देना, कोई काम की चीज़ देखता हमारे हमारे। वैसे ट्रिक्स्टर काफ़ी अच्छी दी थी इन लोगों ने, उससे पहले इन्होंने आई थिंक क्या दिया था मुझे याद नहीं, पर हाँ वो हवा में उड़ने वाला दिया था, यस 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 सही है, वो भी बढ़िया दिया था। और बैटल रॉयल का ब्रांड न्यू क्लास आ रहा है, जैसे कि ये बता रहे हैं ट्रैप मास्टर, बताया गया ट्रैप मास्टर दे रहे हैं, तो इन लोगों ने ट्रैप मास्टर की जो मैंने वीडियो देखी है उसमें ये बताया है कि आप एक गन होगी उसमें आप एक जगह में एम करेंगे और वहाँ से एक इलेक्ट्रिक होते हुए जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी होते हुए जाएगी, अगर उसमें अगर कोई आपका ओपोनेंट टच कर गया तो उसको शॉक लगेगा और आप उसको आराम से मार सकते हो, वो थोड़ी देर के लिए निहत्था हो जाएगा, निहत्था मतलब उसको कुछ पता नहीं चलेगा, इधर उधर घूमेगा, आप उसको आराम से मार सकते हैं, जैसे कि मैकेनिक क्लास में होता है ना सेम वैसा ही है, पर उसमें कोई उड़ने वाला नहीं है, इसमें सिर्फ शॉक देगा। गाइस कुछ भी दे सकते हैं, देखते हैं क्या देंगे, देखते हैं। एक बात तो साफ है, कॉल ऑफ ड्यूटी वाले ने हैकर्स की बैंड बजा रखी है, कसम से बता रहा हूँ बहुत तगड़ी बैंड बजाई है, हैकर्स तो मिले ही नहीं अभी गेम में। तो नेक्स्ट डेवलपमेंट टर्म्स कंसिस्टेंटली लुकिंग फॉर फीडबैक एंड रिलेशन टू बी आर नॉट ऑन सोशल मीडिया, तो गाइज आप इनको कुछ भी दे सकते हैं फीडबैक वगैरह, आपको अपडेट कैसा लगा क्या नहीं, तो आप ज़रूर दें ताकि ये फ्यूचर में हमारे लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे अपडेट्स देते रहें, बहुत मज़ा आने वाला है। तो मेरे को ये अपडेट कैसा लगा, मेरे को बहुत मज़ा आया, जैसे मजा आया। अपने राहुल गांधी बोलते हैं। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। वैसे एक और हिडन अपडेट आने वाला था इस वीक में कि AK-47 और MSMC की गोल्ड स्किन देने वाले थे ये लोग, पर वो किसी कारणवश रुक चुकी है, वो अपडेट अभी तक आया नहीं है, वो गोल्ड स्किन अभी तक अपडेट में दिया नहीं है, वो एक कैरेट के अंदर देने वाले थे उस गोल्ड स्किन को, पर ये फर्दर लीक हो गई और ये खबर पहुंच गई कि इस हफ्ते में वीडियो मतलब अपडेट देने वाले हैं, तो इन लोगों ने डिले कर दिया कि हम अभी नहीं देंगे गोल्ड स्किन। तो यार AK-47 और MSMC की गोल्ड स्किन सोचो कितनी मस्त लगती होगी, एकदम गोल्डन गोल्डन पीला पीला। देखते हैं भाई कब देते हैं वो अपडेट, जैसे ही देंगे मैं आपको खबर कर दूंगा कि अपडेट आ चुका है, गोल्ड स्किन आप परचेस करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना आपकी मर्ज़ी भाई। तो इन्जॉय करें गेम प्ले, ऐसे ही खुश रहें, और हाँ कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है, अपने घर वालों खुद को आपके दोस्तों पड़ोसियों को सतर्क रखें, उनको बोलें कि मास्क लगा के रखें और आप खुद भी डेली हाथ धोएं और बचें कोरोना वायरस से। तो बी हेल्दी प्लीज़, क्योंकि आप ही तो फ्यूचर हैं यार। तो गाइस सेफ रहें सुरक्षित रहें, अनूप सोनी वाला डायलॉग। तो मैं चलता हूँ, गेम प्ले को एंजॉय करो, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, और कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते रहें।
airdrop is coming. Down to the last five teams. Terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. Terminal is almost ready. The safe zone is collapsing.